दोस्तों वीडियो में डिस्कस करेंगे जीटी वर्सेस पीबी केस के बीच जो होगा आईपीएल का आज का दिन का मैच इन डेप्थ कवर करेंगे और टू दी पॉइंट और शॉर्ट होगा। देखो वीडियो में कुछ ही पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, बाकी मुझे पता है आपको ज्यादातर प्लेयर्स के बारे में आइडिया है। एक तो मैचअप्स जो आपको दोस्तों ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। दूसरा मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन इस पिच में प्लेयर्स कैसे खेल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इस पिच में मतलब नरेंद्र मोदी के जो स्टेडियम है ये वेन्यू में कौन से प्लेयर कैसा कर सकता है। और तीसरा और जो सिंपल है, हम लोग दोस्तों सेफ टीम बनाने वाले ग्रैंड लीग में उसी टीम को हम लोग यूज करेंगे थोड़ा सा कैप वीसी को रोटेट करते हुए, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में अगर न्यू हो सब्सक्राइब करते हुए जुड़ सकते हो टेलीग्राम, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस मैच के एनालिसिस। नरेंद्र मोदी स्टेडियम 190 यहाँ पे एवरेज स्कोर बन जाते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 मैचेस हो चुके हैं, जीटी ने 2 जीता, 1 पीबी केस ने जीता। ग्राउंड प्रीव्यू 29 मैचेस में 14 बैट फर्स्ट 15 बैट सेकेंड, एक आइडियल ट्रू वेन्यू है जहाँ पे दोस्तों बैटर्स बॉलर्स सबके लिए कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। बाउंड्री साइज भी ठीक ठाक है, डिसेंट है, बट पिच बहुत अच्छा है तो लंबे शॉट्स भी लगते हैं और ट्रू बाउंस आपको दिखता है। जीटी से हम लोग आते हैं गाइस एनालिसिस में। इन्होंने एक लास्ट मैच जीता, एक बीच में हारा और एक मैच जीता है। इनसे गिल ओपन करेगा, रिद्धिमान शाह, साई सुदर्शन, डेविड मिलर, विजय शंकर, अजमतुल्ला उमरजई, राहुल तेवाटिया होगा बैटिंग ऑर्डर। एक एक करके पॉइंट हम लोग एनालिसिस करने वाले दोस्तों। शुभमन गिल अगर देखोगे अब तक बरानॉक इनका आया नहीं है, बट ये इस वेन्यू के ना दोस्तों किंग प्लेयर है, 64 के एवरेज है इनका इस वेन्यू में। दोस्तों आपके लिए एकदम से मस्ट पिक है शुभमन गिल, ठीक है, और ये इस वेन्यू में सबसे बेहतरीन प्लेयर है, मस्ट पिक है। इनका एवरेज सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा और बेटर होता है तो इनको कैप वीसी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, एज अ प्लेयर जरूर लेके चलना है। रिद्धिमान साहा दोस्तों 25 रन बनाया, 21 बनाया, 29 बनाया, दोस्तों वेन्यू में बाउंस भी अच्छा खासा है, आपको विकी से भी पॉइंट्स दे सकता है। इनका इस वेन्यू में 21 का एवरेज होता है। थोड़ा सा ओपोनेंट का पावर प्ले के बॉलर्स देखेंगे, मुझे जो लग रहा है ना इनके ओपोनेंट के जो पावर प्ले के बॉलर्स है शायद ये रन बना लेगा रिद्धिमान शाह। साई सुदर्शन यस तीनों मैच में देखो 45 37 45, ये एस सब्सटीट्यूट आते हैं फैंटेसी के रिस्पेक्ट में हर मैच में पॉइंट्स देता है। इनका भी वेन्यू में 54 का एवरेज है, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, टेक्निकली साउंड मस्ट है। और इनका इनिंग्स वाइज एवरेज देखो 51 और 56 का एवरेज होता है फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग्स, क्या ही चाहिए टी ट्वेंटीज में। डेविड मिलर 44 21 और 2, एज अ प्लेयर ले सकते हो दोस्तों, बट एज अ फिनिशर ये अच्छा करता है, तो आप इनको लेने का मतलब है कि टॉप में आप शाह गिल जैसे प्लेयर्स को ड्रॉप रोटेट कर रहे हो, ठीक है। विजय शंकर कैमियो खेलेंगे लोअर ऑर्डर, फिलहाल नहीं लेना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, और देखो इग्नोर कर रहे हो इनके, हम लोग डिफेंशियल ले सकते हो, वेन्यू में 40 का एवरेज है बट 6 इनिंग्स में सिर्फ 135 रन। अजमतुल्ला उमरजई स्टार ऑप्शन रहेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे देगा बैट या फिर बॉल से, जनता इसको अपनी टीम में रखेंगे। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको 25 पॉइंट से ज़्यादा दे सकता है इस मैच में, तो उसके साथ इनको दोस्तों थोड़ा बहुत आप रोटेट कर सकते हो। यस रिस्क तो है, रिस्क फैक्टर तो इंक्लूड रहेगा, बट डेफिनेटली दोस्तों ये रिस्क मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए और थोड़ा सा आपको रोटेशन इस मैच में जरूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, अजमतुल्ला उमरजई के साथ। राहुल तेवटिया इग्नोर करेंगे, रशीद खान अगर देखते हो दोस्तों बढ़िया प्लेयर है, वेन्यू में रिकॉर्ड भी अच्छा है इनका, 12 इनिंग्स में 15 विकेट, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको दे देंगे, सेफ है दोस्तों, सेफ है, मस्ट पिक है, बैक करो अपने टीम में, ठीक है रशीद खान को। उमेश यादव इन्होंने दोस्तों देखो एक आधा विकेट निकाल रहा है, बेसिकली पावर प्ले का बॉलर है, ओपोनेंट से अगर पावर प्ले में देखोगे तो दोस्तों शिखर धवन बेस्ट हो मुझे लगता है खेलेगा, नहीं लूंगा मैं उमेश को इस वेन्यू में 3 इनिंग्स में 3 विकेट। मोहित शर्मा इस वेन्यू का स्टार बॉलर, लास्ट मैच में 3 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट होता है तो कैप्टन बना सकते हो, वेन्यू में 9 इनिंग्स में 25 विकेट, बाउंड्री साइज अच्छा है दोस्तों, ये स्लोअर बॉल डालता है, अच्छा बॉल डाल रहा है, कैप डीसी बना सकते हो अपने टीम में। मोहित शर्मा को मस्ट हैव होना चाहिए दोस्तों, डेफिनेटली गो टू प्लेयर रहेगा मोहित शर्मा। दर्शन नलकंडे 2 ओवर में विकेट लेस, लास्ट ईयर 1 मैच 4 ओवर 1 विकेट था, टी20 में 42 मैच 141 ओवर 65 विकेट, प्लेयर तो अच्छा है, डोमेस्टिक में भी रन बना के आ रहा है, बट मेरा जो सजेशन रहेगा ना देखो इनके पास डेथ ऑप्शन मोहित शर्मा है, ठीक है, ये जो बंदा है ना ये डेथ करेगा, एक बॉलर कंफर्म है
रशीद खान, उमेश यादव वगैरह भी पीछे डाल सकता है। तो नलकंडे फिलहाल अगर मैं सोचूं कि डेथ करेगा ये सोच के लेता हूं, बट स्टिल मेरे हिसाब से फिलहाल ना ही लेना सेफ रहेगा। नूर अहमद चार ओवर में एक विकेट निकाला, लेफ्ट आर्म चाइना मैन एक आधे विकेट निकाल लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा पीबी केस का अगर मिडल ऑर्डर आप देखते हो जाके, लियम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा बड़े शॉट्स लगाते हैं, पकड़ के खेलने वाले प्लेयर्स थोड़े से कम है। इवन सैम जो है दोस्तों वो भी बड़े शॉट्स ही लगाएंगे, सैम कुरान। तो नूर अहमद इस मैच में डिफरेंशियल हो सकता है। वेन्यू में 8 इनिंग्स में 8 विकेट है। ओपनिंग बॉलिंग उमरजाई, उमेश, रशीद। डेथ में रशीद, नलकंडे, मोहित शर्मा। ये ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। बेसिकली उमरजाई आपको पावर प्ले में डालते हुए दिखेगा, जो पावर प्ले में दोस्तों ओपोनेंट के शिखर धवन और बेस्टो खेलेंगे। रिस्क लेके ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि ये वही है, एक विकेट लेगा ठीक है पॉइंट्स दे देगा, एक विकेट से ज़्यादा कम टाइम्स में मिलेगा इसको। उमेश यादव पावर प्ले और एक ओवर ये पीछे डाल रहे, लास्ट मैच में 15 डाला। रशीद खान लास्ट मैच में 14 डाला, जरूरी प्लेयर है। नूर अहमद मिल ओवर डाले, मोहित शर्मा 18-20 डेथ डाला और दर्शन नलकंडे ने डेथ डाला। तो दोस्तों अगर बॉल फर्स्ट होता है तो दर्शन नलकंडे आपके लिए एक अच्छा रॉ डिफेंशियल पिक बन सकते हैं, ठीक है। स्पेंसर जॉनसन ये अगर खेलता है मैं ले लूँगा दोस्तों। ये हिद्दा डेक बॉलर नहीं, हिद्दा डेक नहीं, ये आगे भी डाल सकता है, बट इसका बाउंसर प्ले में आएगा। दो मैच खेला, दोनों मैच में इसने विकेट निकाला, मुझे लगता है बाउंसर बहुत ज़्यादा प्ले में आने वाला है। कई और प्लेयर से रिकॉर्ड चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये रहा हेड टू हेड मैचअप डेविड मिलर के साथ, देखते हो दोस्तों हर्षल का, दो बार आउट किया हर्षल को, 65 बॉल 109 रन, दो बार आउट गया। ये एक जरूरी पॉइंट है कि हर्षल को डेविड मिलर ने रन तो बनाया, आउट भी हुआ बट रन भी बनाया। सैम कुरान के खिलाफ ठीक ठाक खेला है, अर्शदीप से एक बार आउट हुआ, रन बहुत ज़्यादा बनाया 20 में 38 रन। दो बार रवाड़ा ने आउट किया, रवाड़ा से थोड़ा दिक्कत होता है, 28 बॉल में सिर्फ 33 रन। राहुल चहर 13 बॉल में 7। केन विलियमसन तीन बार रवाड़ा ने आउट किया, बहुत ज़रूरी ऑप्शन रहेंगे दोस्तों। एक बार हर्षल ने आउट किया, तो दोस्तों अगर खेलता है तो रवाड़ा जरूरी है। साई सुदर्शन देख लेते हो तो राहुल चहर ने एक बार आउट किया 16 में 20। अर्शदीप ने 18 बॉल में बहुत ज़्यादा रन, 27 रन कंसीड करते हुए सिर्फ एक बार आउट किया है। रवाड़ा 13 बॉल में 19 रन, आउट नहीं हुआ है। शुभमन गिल वर्सेज राहुल चहर दो बार आउट हुआ है, अर्शदीप के खिलाफ एक बार 37 में 46, सैम कुरान के खिलाफ 32 में 38 रन, एक बार आउट हुआ है। ठीक ठाक देख के खेला है, हर्षल को भी थोड़ा बहुत देख के खेला, एक बार आउट हुआ है। राहुल तेवटिया, सैम कुरान ने एक बार आउट किया, विजय शंकर वगैरह, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान शाह, रवाड़ा ने तीन बार आउट किया शाह को, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। बट इन्होंने रन भी बनाया 46। हर्षल ने दो बार आउट किया, 8 बॉल 14 रन, दो बार आउट किया है दोस्तों। लीडिंग रन स्कोरर गिल देखते हो, 10 इनिंग्स 57 का एवरेज, 397 रन, बहुत ज़रूरी प्लेयर है, मस्ट पिक प्लेयर होना चाहिए दोस्तों गिल आपकी टीम में, और एवरेज भी अच्छा है। शाह का 24 का उतना भी खास नहीं है, 31 का विलियमसन, सुदर्शन 60, बहुत ज़रूरी प्लेयर है सुदर्शन, ठीक है। मिलर का 3 इनिंग्स में 34। लीडिंग रन विकेट टेकर उमेश, 21 मैच 34 विकेट, बहुत ज़रूरी प्लेयर है दोस्तों आपके लिए। बट एक चीज़ क्या है ना, इनका जो करेंट फॉर्म है वो पावर प्ले में विकेट निकाल रहा है, बाकी कुछ खास कर नहीं रहा है ढंग का। तो 21 इनिंग्स में 34 विकेट अच्छा होने के बाद भी दोस्तों मस्ट पिक प्लेयर मैं नहीं बोलूँगा। पर रशीद देखो 13 में 22 विकेट, बहुत ज़रूरी है। नून ने 21 में सिर्फ 14 विकेट है 21 इनिंग्स में, ज़्यादा खास नहीं है। मैं यहाँ पे नूर का इनिंग्स ज़्यादा है, आई थिंक यहाँ पे कुछ एक मिस्टेक हुआ है, ठीक है। 21 इनिंग्स इनका होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा, बट सिर्फ 79 ओवर्स भी है दोस्तों। नूर का पार्ट टाइपिंग एरर हो सकता है। मोहित 8 इनिंग्स में 11 विकेट, ठीक है, ये एक ज़रूरी चॉइस रहेंगे आपके लिए। पीबीकेएस लॉस्ट लॉस वन, शिखर धवन देखे हुए, फिर जॉनी बेस्टो, प्रभसिमरन, जितेश शर्मा, कुछ होगा बैटिंग ऑर्डर। अब देखो ये जो मुझे जो मिडल ऑर्डर इनका लगा ना, ये अटैकिंग मिडल ऑर्डर है। अगर सैम कुरान नीचे खेलता है, अगर सैम कुरान ऊपर खेलता है तो ये एक प्लेयर रहेगा जो थोड़ा बहुत देख के डिफेंस और समाओ रोटेट वगैरह करके दोस्तों मैच निकाल लेगा। बट बाकी जो प्लेयर्स है वो दोस्तों थोड़ा बहुत वो डिफेंसिव है अप्रोच, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, मतलब अटैकिंग अप्रोच है, और सैम कुरान थोड़ा डिफेंसिव है। तो ये तीन खेलने का मतलब है कि जो मिडल ओवर में नूर हो गया, रशीद हो गया, उनको ना गुच्छ विकेट मिल सकता है, कीप इट इन माइंड, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस मैच में मिलेगा भी। शिखर धवन एज अ प्लेयर कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, 70 45 22। मैंने सोचा था कि शायद ये इनिंग्स में, ये साल थोड़ा सा रुक के खेलने वाले, शायद ये कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे बड़े इनिंग्स में, क्योंकि मैच प्रैक्टिस भी मैटर करता है। बट इन्होंने बहुत अच्छा खेला, लास्ट ईयर से भी बेटर क्रिकेट खेल रहा है। वेन्यू में 3 इनिंग्स में 121 रन, अच्छा क्रिकेट खेलता है ये हमेशा। जॉनी बेस्टो 42 8 और 9, लास्ट मैच में 42 का 9 खेला। देखो बेस्टो एक ऐसे प्लेयर है जो अगर टिक जाएंगे तो दोस्तों बहुत बड़ा स्कोर बना देगा, तो बहुत डिफिकल्ट होगा बेस्टो को अपनी टीम से ड्रॉप करना।
तो जो मेरा सजेशन रहेगा बेस्ट टू एज अ प्लेयर आप सिंपल सॉर्टेड है कि बैक करके चलो तो आप बेटर ऑप्शन में रहोगे, क्योंकि अगर ये चल गया तो दोस्तों आप फंस जाओगे। दो इनिंग्स ओडीआई में 17 का एवरेज 33 रन। प्रभ सिमरान अगर देखते हो 19-25-26 एज अ प्लेयर, यस डेफिनेटली दोस्तों आपकी टीम में होना चाहिए प्रभ सिमरान। बट एक प्रॉब्लम है, एक नहीं कई प्रॉब्लम है। देखो रिसेंट फॉर्म देखो, ये जो पॉइंट्स आपको दे रहा है ना एज अ प्लेयर आप इनको रख सकते हो बट ग्रैंड लीग के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया क्योंकि ये जो पॉइंट्स दे रहा है लाइक साई सुदर्शन हर मैच में पॉइंट्स दे रहा है, प्रभ सिमरन भी हर मैच में पॉइंट्स देगा 25 पॉइंट के आसपास, बट ये हो जाता है सब्स्टिट्यूट, मतलब फील्डिंग से एकदम से जीरो पॉइंट्स आ जाते हैं इनके। तो अगर ऐसा चलेगा तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स दे रहे हैं ना ये 20-25 के आसपास ही बन रहा है, इससे ज़्यादा बन नहीं रहा है। तो फिलहाल ग्रैंड लीग में रोटेट करो अगर आपको लग रहा है कि फील्डिंग भी करेगा, बट स्मॉल लीग के रिस्पेक्ट में सेफ है तो मैं नहीं लेने वाला। जितेश शर्मा कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड दे सकता है बट ये मिड ऑर्डर में खेल रहा है, अब तक 6-27-9 ज़्यादा खास किया नहीं है, थोड़ा सा डिस्परेट दिख रहा है दोस्तों। सामने वर्ल्ड कप भी आएगा, सिलेक्शन में ये होगा नहीं होगा। रिद्धि दोस्तों ऊपर बैटिंग करते हुए अच्छा बैटिंग कर रहा है, ओपन भी करेगा विकी भी करेगा। मुझे रिद्धि शर्मा का जो मतलब रिद्धिमान शाह का दोस्तों जो बॉलिंग यूनिट है वो अच्छा भी लग रहा है, स्टंपिंग के पॉइंट्स मिल सकता है, तो मेरा वो पहला चॉइस रहेगा। उसके बाद जितेश, जितेश अगर फील्डिंग किया तो दोस्तों फील्डिंग से पॉइंट्स दे देंगे, उस कंडीशन में जितेश को बैक कर सकते हो। लियाम लिविंगस्टोन 28-17-38 कुछ ना कुछ वैल्यू दे जाते हैं और बहुत तगड़ा हेडिंग करता है, शायद अगर आप ड्रॉप कर सकते हो इसको, क्योंकि देखो थोड़ा सा हेड टू हेड मैं मैचअप देखूंगा ओडीआई में। इस वेन्यू में दो इनिंग्स में 22 रन 9 ओवर 1 विकेट, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रशीद और नूर एक साथ करेगा, दोनों स्पिनर है। सैम कुरान 4 ओवर में 3 विकेट, जरूरी प्लेयर है और बॉल फर्स्ट दोस्तों बहुत ज़रूरी है और ये बैटिंग से भी वैल्यू देंगे। ये एक ऐसे प्लेयर है कुछ ना कुछ वैल्यू देखो हर मैच में दिया है, कैप्टन पिक है मेरा। वेन्यू में 1 ODI में 6 ओवर 1 विकेट। शशांक को नहीं लेने वाला हूँ। हरप्रीत ब्रार अभी देखोगे तो इनका जो अपोनेंट है उनके मिडल ऑर्डर में डेविड मिलर साई सुदर्शन लिफ्टी बैटर्स है, तो फिलहाल मैं हरप्रीत को नहीं लूँगा। हर्षल पटेल 4-4 ओवर डाल रहा है बट मुझे ना एक लॉजिक अभी भी मतलब एकदम से मतलब होता है ना कि जो मैनेजमेंट होता है वो दोस्तों उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, एक मैनेजमेंट के ऊपर वो टीम कैसा परफॉर्म करेगा। ये जो टीम है ना हर्षल पटेल को बना दिया है डेथ बॉलर, ठीक है। अभी आप मेरे से शायद सहमत नहीं रहोगे बट यार आपको होना पड़ेगा, डेथ में आपको ऐसा बॉलर चाहिए ना जो आपका रन रोके, ना ही आपको विकेट लेके दे। अगर आप उसके बाद मेरे को बोलोगे नहीं भाई हमें विकेट मिलेगा तो रन रुकेगा, यार बैटर्स आएंगे बैट घुमाएंगे छक्का होगा फिर आउट हो जाएगा, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बोलोगे आपके ओपोनेंट टीम को कि चलो डेथ ओवर में आप 15 रन ले लो और मुझे 4 विकेट दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दिखेगा हर्षल पटेल ने 4 विकेट निकाला। बट यार तीनों मैच मिलाओ PBKS पंजाब ने जो हारा है ना क्लोज मैच हारा है, ऐसा नहीं कि भयंकर डिस्टेंस से हारा है, और हारने का रीजन हर्षल पटेल का दोस्तों एक्स्ट्रा इकोनॉमिकल बॉलिंग। मुझे लगता है इनको डेथ नहीं करना चाहिए, इनको मिड ओवर में ओवर खत्म करा देना चाहिए और वहाँ पे ये रन रोक देगा डेथ में जाएगा। दोस्तों रबाडा दोस्तों आपको डिफेंसिव बॉलिंग भी करते हुए दिखेगा, अच्छा बॉलर है डेथ कर सकता है। इवन कुरान भी अच्छा खासा अच्छा स्लोअर बॉल डाल सकता है, इसके पास यॉर्कर नहीं है दोस्तों, इसका बॉल कनेक्ट होगा तो लंबा जाएगा। कगीज और रबाडा तीनों मैच में अच्छा बॉलिंग किया विकेट निकाला, ले सकते हो, हेड टू हेड मैचअप भी ठीक ठाक है। वेन्यू में 3 इनिंग्स 12 ओवर 4 विकेट। राहुल चहर एक आधा विकेट निकाल जाता है मैचअप में ठीक है, बट यार इसका फॉर्म ना बहुत अच्छा चल नहीं रहा है और ओपोनेंट के पास लिफ्टी बैटर है। फिलहाल मैं चहर को नहीं लेने वाला हूँ दोस्तों अपनी टीम में, ठीक है, इग्नोर करूंगा। इशदीप देखोगे तो 3 ओवर में 2 विकेट 4 ओवर में 0 4 ओवर में 2, मेरा सजेशन अब अगर लोगे तो दोस्तों बॉल फर्स्ट इशदीप को ले लेना, बॉलिंग सेकंड ड्रॉप रोटेट कर सकते हो। बॉल फर्स्ट ये ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेलता है, बॉल फर्स्ट लास्ट मैच में इवन ओवर कंप्लीट भी नहीं किया। ओपनिंग बॉलिंग कुरान अर्शदीप रबाडा, डेथ में हर्षल रबाडा कुरान, ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन सैम कुरान 1-6-17-19 1-6-17। लास्ट मैच में दोस्तों कुरान ने डेथ में बॉलिंग डाला था 17-19, अच्छा ओवर्स डाले थे विकेट भी मिला था। अर्शदीप लास्ट मैच में डेथ नहीं डाला था बट शुरू में डाले थे बट 2 विकेट ले गया था, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि बॉल फर्स्ट को ज़्यादा प्रेफर करना डेथ में आएगा। रबाडा ने लास्ट मैच में 3-5-17-11-16 3-5-10-14 इसका ओवर डेथ में नहीं रख रहा है, मेरे हिसाब से इन दोनों को डेथ देना चाहिए कुरान और रबाडा को। हर्षल पटेल जो डेथ कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं और पिटाई भी हो रहा है, 18-20 डाला 16-19 डाला 18-20, बहुत रन कंसीड करते हैं। बॉल फर्स्ट हुआ तो चलो सोचोगे लो ना लूँ, सोचूंगा मैं शायद मैं ले लूँगा, बॉल फर्स्ट हुआ बॉल सेकेंड हुआ तो मैं नहीं लेने वाला। सिकंदर रजा रिली रोसो कई और प्लेयर्स हैं यहाँ पे, चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। प्लेयर्स बैटल अगर देखते हो तो शिखर धवन के साथ देखोगे तो रशीद 4 बार आउट है, 56 ओवर में सिर्फ 4 53 रन है।
मोहित को भी रन नहीं बनाया, 65 में से 76 चार बार, बट दोनों ना पावर प्ले में ज़्यादा डालते नहीं है, मिडल ओवर डेथ में ज़्यादा डालते हैं, बट तब तक अगर शिखर धवन खेला तो आपको फैंटेसी वैल्यू दे देगा। लियाम लिविंगस्टोन वर्सेस रशीद, 69 बॉल बहुत ज़्यादा रन, 119 रन, बट चार बार आउट भी किया है। लिटिल ने दोस्तों एक बार आउट किया है नहीं, नूर ने दो बार आउट किया 5 बॉल में, नूर से दिक्कत हो सकता है लिविंगस्टन, मुझे लग रहा है दिक्कत होना तो चाहिए लॉजिकली। सैम कुरान देखते हो तो दोस्तों मोहित ने एक बार आउट किया 9 बॉल में, लिटिल ने एक बार आउट किया, एक बार उमेश ने आउट किया। सिकंदर रजा, रशीद ने 3 बार आउट किया इनको, उमर जाइक ने 2 बार आउट किया। जॉनी बेस्टो अगर देखते हो, लिटिल ने एक बार आउट किया, उमेश के खिलाफ देखो, रशीद के खिलाफ भी रन है बट उमेश के खिलाफ हद से ज़्यादा है, 33 में 67। तो 3 ओवर अगर बेस्टो खेल गया तो आपको 30-40 पॉइंट तो वहीं पर दे जाएंगे, मतलब बहुत बढ़िया चॉइस है दोस्तों बेस्टो। लीडिंग रन स्कोरर शिखर 3 इनिंग्स, 53 का एवरेज, 105 रन। लिविंगस्टोन 2 इनिंग्स में 94। सैम कुरान 1 इनिंग्स में 22, ज़्यादा है नहीं दोस्तों क्योंकि न्यू टीम है। रवाडा ने 3 इनिंग्स में 7 निकाला, ज़रूरी चॉइस है। अर्शदीप 3 में सिर्फ 12, हर्षल का 3 में सिर्फ 1 विकेट। हेड टू हेड 2023 में हुआ था, PBKS 153 पे 8, टॉप स्कोरर मैट शॉट 36, जीतेश 25, सैम कुरान 22। अर्शदीप रवाडा, हरप्रीत ब्रार, सैम कुरान को 1 विकेट ईच। जीटी चेस करते हुए इजी चेस, गिल 67, रिद्धिमान 30, बेस्ट बॉलर मोहित शर्मा का 2, रशीद अलजारी लिटिल शमी का 1 विकेट ईच। उससे पहले 2022 में जीटी 143 for 8, 65 साई सुदर्शन, रिद्धिमान 21, बेस्ट बॉलर शमी फर्गुसन 1 विकेट ईच। PBKS ये रन दोस्तों चेस कर गया इजीली, धवन 62, राजा बशर 40, लिविंगस्टन 30। कगिजो बॉलिंग करते हुए दोस्तों फर्स्ट इनिंग्स में जो बॉल डाला, डेथ में भी किया था 4 विकेट, अर्शदीप, ऋषि, धवन, लियम का 1 विकेट ईच। अब चलते हैं हम लोग ड्रीम 11 टीम में, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करो और दोस्तों जुड़ जाओ टेलीग्राम, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग कहाँ पे ड्रीम 11 टीम में। दोस्तों फिलहाल जो मेरा ड्रीम 11 का टीम रहेगा ना, उसमें मैंने VC बनाया गिल को, क्योंकि ये इस वेन्यू में ना हॉट फेवरेट प्लेयर है। और कैप्टन सैम कुरान जो डिफॉल्ट है, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड शायद मैं नहीं बनाऊंगा बट बॉल फर्स्ट बनाऊंगा। बेस्ट हमारे पास धवन, हमारे पास रिद्धिमान शाह, साई सुदर्शन, अजमतुल्ला उमरजा, लियाम लिविंगस्टोन। अजमतुल्ला उमरजा ना बेसिकली पावर प्ले में पॉइंट्स दे रहा है और आप दोनों पावर प्ले के बैटर को ले रहे हो, तो उसका मतलब है कि आप गलत कर रहे हो उमरजा को लेके, अदरवाइज इन दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को ड्रॉप कर सकते हो। एक रिस्क होगा बट लॉजिकल रिस्क होगा, उमर जाय को भी रखना, पावर प्ले के बैटर को भी रखना एक साथ मतलब नहीं बनता। रशीद खान, मोहित शर्मा, कगिजो रवाडा आपको करते हुए दिखेंगे। अगर अर्शदीप खेला तो वो डेथ ओवर में डालेगा, शायद मैं उसको ऐड कर दूंगा आफ्टर टॉस अपनी टीम में। फिलहाल ये रहेगा मेरा टीम इस मैच के साथ, अगले मैचेस के कवरेज अपडेट्स डेमो टीम आपके साथ शेयर होने वाला है टेलीग्राम चैनल। दोस्तों आपको जुड़ना है टेलीग्राम, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं दोस्तों मैच टाइम पे टेलीग्राम पे। थैंक यू गाइस।